हाय एवरीवन, वेलकम यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो हमारे यहाँ पे लाइट रूम फोटो एडिटिंग पर होने वाला है। सो गाइज, लाइट रूम के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप काफ़ी इजीली अपनी फोटोज़ को एडिट कर पाओगे। यानी आपको किसी भी प्रीसेट्स को लाइट रूम में ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली लाइट रूम के अंदर ही प्रीसेट्स को ढूंढ पाओगे, देन सर्च करके आप अपनी फोटोज़ को एडिट कर पाओगे। सो गाइस, कैसे आपको फोटोज़ को एडिट करनी है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको सारा वॉच करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली लाइट रूम ऐप की जरूरत पड़ेगी, जो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि वीडियो की हर अपडेट आपको मिल सके। सो गाइस, फोटोज़ को आप कैसे एडिट करना है वो मैं आपको मैन्युअली बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहना। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपने लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन करना है, जिसको आप इजीली प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है। देन डाउनलोड करने के बाद में गाइज, आप जैसे जैसे सारा प्रोसेस ऑन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस नजर आएंगे। सो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है, जिन फोटोज़ को आपको एडिट करना है उनको यहाँ पे आपको ऐड करना है। सो गाइज, हमने सारी फोटोज़ को लाइट रूम में शेयर कर लिया है और हमारी सारी फोटोज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो ये 5 से 7 फोटोज़ हमने यहाँ पे लाइट रूम में ऐड कर लिए। अब आपको गाइस करना क्या होगा, यहाँ पे आपको डिस्कवर का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। सो गाइस, इस डिस्कवर की मदद से ही आप बिना किसी प्रीसेट्स की हेल्प लिए आप अपनी किसी भी फोटोज़ को एडिट कर सकते हो। यानी आपको जिस तरीके का आपको टोन चाहिए आप वहाँ पर ढूंढ सकते हो, यानी सर्च कर सकते हो कि आपको किस टाइप से अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करना है अपने कलर्स के अकॉर्डिंग। अपनी यानी जो ओरिजिनल पिक है उसके कलर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी पिक के लिए यहाँ पे परफेक्ट प्रीसेट्स सर्च कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी प्रीसेट्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको डिस्कवर ऑप्शन पे जाना है और गाइज, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। यानी आपको देख सकते हो अलग अलग टाइप के आपको इमेजेस हैं, तो आपको कौन सा कलर टोन अपनी पिक में अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हो। सो गाइज, हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे अपनी फोटोज है तो हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। बहुत सारे आपको कैटेगरीज मिल जाएगी, तो हम पीपल पे जाएंगे। देन पीपल्स पे क्लिक करने के बाद में कुछ आपको यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप इजीली यहाँ पे अपने सर्च कर सकते हो, देन यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि आपको अपनी पिक के अकॉर्डिंग किस टाइप से यहाँ पे प्रीसेट्स आपको चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स है, देखो आप अपनी पिक या कलर टोन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सो देख सकते हो गाइस कितना ऑसम प्रीसेट्स है। देन एक ये प्रीसेट्स देख सकते हो गाइस, बिल्कुल डार्क टोन में प्रीसेट्स है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद में गाइस, आप इस प्रीसेट्स को देख सकते हो किस टाइप से कलर टोन यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो कुछ इस टाइप से हम अपनी फोटोज़ को कैसे एडिट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव अस प्रीसेट्स पे जाएंगे और यहाँ से आपको गाइस प्रीसेट्स ग्रुप पे क्लिक करके और यहाँ से आपको यूज़र प्रीसेट्स कर देना है और आपको अपने प्रीसेट्स का नाम याद रखना है, डिज़ायर। तो इसको हम यहाँ पे ओके करते हैं और डन कर देते हैं। देन ये प्रीसेट्स यहाँ पे आ चुका है। अब गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी में जाएंगे अपने और ऑल फोटोज़ में जाएंगे। यहाँ पे गाइज हम एक अपनी फ़ोटोज़ को लेते हैं पहले, सबसे पहले। देन अब गाइज क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा प्रीसेट्स का, यानी आपको 4th वाला ऑप्शन नज़र, इस पर आपको क्लिक करना है प्रीसेट्स पे। तो यहाँ पे गाइज प्रीसेट्स आ रहे हैं, तो आपको पता है डिज़ायर वाला प्रीसेट्स हमने अभी डाउनलोड करा है, तो यूजर प्रीसेट्स में ये आ चुका है। देन इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइज हमारी पिक का कलर टोन देखो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है और काफ़ी ऑसम पिक भी हमारे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो इसी टाइप से गाइज आप किसी भी फोटोज़ का आप यहाँ पे कलर टोन चेंज कर सकते हो बिना किसी अदर प्रीसेट्स की यूज़ करें। तो कुछ इस टाइप से आप सारी फोटोज़ का यहाँ पे ले सकते हो। देन आप बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स सर्च भी कर सकते हो, जैसे आप अगर स्पोर्ट्स में अपनी फोटोज़ को क्लिक करवाए तो स्पोर्ट्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस आपको सारे प्रीसेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे कोई प्रीसेट्स है आपको इसको यहाँ पे क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके आपको सेव अस प्रीसेट्स पे जाना है और यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक करके यूजर प्रीसेट्स करके आप इसको राइट डन कर देना है। देन आपके ये प्रीसेट्स यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में ऑल फोटोज़ के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यानी प्रीसेट्स के अंदर जाओगे तो गाइस आपको ये प्रीसेट्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, तो ये देखो काफ़ी अच्छे प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे, बस आपको वहाँ पे सर्च करने हैं। तो आप इजीली अपने प्रीसेट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, देन अपनी फ़ोटोज़ का कलर टोन यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हो। एंड आपको इजीली
सेव करना आता है तो एडवाइज में आप अपनी फोटोज़ को सेव कर सकते हो। सो गाइस आपको आपके यहाँ पे कोई सा भी प्रीसेट्स आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको प्रीसेट जो भी कलर होगा आपको चाहिए हो अपनी पिक के अकॉर्डिंग वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो गाइस अनलिमिटेड प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप क्रिएट करके यूजर प्रीसेट्स में सेव करके अपनी फोटोज़ को एडिट कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये फोटो एडिटिंग का यानी लाइटरूम की ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर यहाँ पे कर देना है और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।